हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पसल मेनिया पिथमकुर में। आईबीपीएस क्लर्क प्री की पहली शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो गया और पहली शिफ्ट के साथ ही एक बड़ा चेंज भी देखने को मिला है आईबीपीएस क्लर्क प्री में। अभी तक क्या होता था कि इंग्लिश के सब्जेक्ट से शुरुआत होती थी, लेकिन इस बार आईबीपीएस क्लर्क प्री में सब्जेक्ट के सिक्वेंस में चेंज देखने को मिला है। सबसे पहले रीजनिंग का सब्जेक्ट ओपन होगा, फिर क्वांट का सब्जेक्ट और लास्ट पे इंग्लिश का सब्जेक्ट। अब इसका फायदा क्या है? काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, तो जब पहले इंग्लिश का सब्जेक्ट शुरुआत में ओपन होता था तो वहां आपको नहीं पता है कि क्वांट रीजनिंग का क्या लेवल आया है, तो वहां थोड़े से ज्यादा अटेम्प्ट भी हो जाते थे इंग्लिश में। लेकिन अब जो नया सिक्वेंस है रीजनिंग क्वांट इंग्लिश का, तो इंग्लिश के पहले आप क्वांट और रीजनिंग कर चुके हैं, आपको पता है कि कितने अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो ज्यादा से ज्यादा फोकस आपका इंग्लिश की एक्यूरेसी पर रहेगा, भले ही आपके थोड़े से कम अटेम्प्ट क्यों ना हो इंग्लिश पे। बाकी आप सभी कमेंट में जरूर बताएं जो आईबीपीएस क्लर्क प्री में सीक्वेंस देखने को मिला है रीजनिंग क्वांट इंग्लिश का, वो आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।